बयान दशन की
करते तो क्या करते, फिराजी कुछ होटो दबा मुंह चूम कर कहा कि नहीं
तुम डरो नहीं, अरे जिंदा अभी तो है पिछड़े बेको अभी बीवी न लो दूर न जाएंगे हम। मैं माँ हुए हैं जिनके वो हमको बुलाते हैं, पानी तुम्हारे वास्ते लेने को, पानी तुम्हारे वास्ते लेने को जा। अच्छा नया रहेंगे जो ऐसा है तुमको डर, और हम बाजे असुर आज ही कर जाएंगे सफर, हम बाजे असुर आज ही कर जाएंगे। इन भोली भोली बातों के कुर्बान हो फिर, सच है कि ये नाकाम नया है पुर सफल, सच है कि ये निहायत है आए, दुश्मन है सब इमाम में गरीब दया, अरे रखवा दो माँ के पास ये बुंदे उतार, रखवा दो माँ के पास ये बुंदे उतार। लो अलविदा गोद में अब वालिदा की जा, अरे बेटा खुदा के वास्ते आंसू ना बहा, छाती से फिर पट के जरा मुँह से घूमे ला, एक बार और काकुले मिट्टी की बूसूंगा, आए ना हम जो सकीना ना रोयो, और सबको फूकी की छाती मुरा के, आए ना हम जो अरे सकीना ना रो सबको भूखी की छाती मुरा के, तो बोली मचल के वो के न मानूंगी मैं, अरे जंगल में छोड़ कर मुझे जाओगे तुम के बहलाइए न बेटी को या चाहे दो, ये प्यारा खुरी है मेरे दिल वो है, ये प्यारा खुरी है ये दिल वो है, मैं खूब जानती हूँ के मुँह मोड़ते हया, अज सुगरा तो माँ छुटी मुझे या छोड़ते, सुगरा तो माँ छुटी मुझे या छोड़ते, जिस दम की सकीना ने ये जागदा कलाम, रोए लिपट के ज़ैनबे नासाद से कदमों पर की झुकी हुई बालू ने कोने सरों को पीसती थी दे, सफर था मुसाफिर था शोर अलविदा का और अलविदा, था शोर अलविदा का और अलविदा आया।
करबला हो चुकी तैयार, तकदम वलदी बढ़े आते हैं जफाकार, तकदम वलदी जद पाए सब मेरे अंसार, तकदम वलदी इन पाचाय नजनार, तकदम वलदी ए मेरे लखते जिगर, ए मेरे प्यारे फर्जन, है ये 9 लाख तो क्या अज़्म तो है अपना बुलंद, आगे आगे सफ़े अव्वल के रहे अपना संबंध, मेरे असहाब को पहुँचे न कहीं कोई गजंद, तीर आते हैं लगातार, तकदम वलदी करबला हो चुकी तैयार, तकदम वलदी दीन नाना का मिटे और नवासा सहले, ये न होगा कभी हमसे कोई कुछ भी कह ले, खून बहता है तो हम लोगों का इस पर बहले, भेजता जंग पे आबिद को मैं तुमसे पहले, मगर आबिद तो है बीमार, तकदम वलदी करबला हो चुकी तैयार, तकदम वलदी मेरे असहाब को पहुँचे न कहीं कोई गजंद, तीर आते हैं लगातार, तकदम वलदी करबला हो चुकी तैयार, तकदम वलदी दीन नाना का मिटे और नवासा सहले, ये न होगा कभी हमसे कोई कुछ भी कह ले, खून बहता है तो हम लोगों का इस पर बहले, भेजता जंग पे आबिद को मैं तुमसे पहले, मगर आबिद तो है बीमार, तकदम वलदी
करबला हो चुकी तैयार, तकदम वलदी हमको तारीख बदल देनी है दश्तो दर की, पड़े आइंदा नजर जिस पर जमाने भर की, गर जरूरत हो तो बाजी भी लगा दो सर की, आखिरी जंग समझ लो इसे अपने घर की, जाने फिर कब खींचे तलवार तकदम वलदी, करबला हो चुकी तैयार तकदम वलदी, कहीं ऐसा न हो ज़ैनब को खबर हो जाए और तलब ओनो मोहम्मद की उधर हो जाए, तारों को इज़्ने सफ़र कबले कमर हो जाए, मेरी तरतीब ही सब ज़ेरो ज़बर हो जाए, फिर तो जाना भी है दुश्वार तकदम वलदी, करबला हो चुकी तैयार तकदम वलदी, करबला हो चुकी तैयार तकदम वलदी। السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولى المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى محكم كتابه الحكيم قد أفلح
के लिए एक जाहिर होगा, एक बातिन होगा, एक आवाज होगा, एक अंजाम होगा, एक उसका रोशन पहलू होगा, एक उसका छिपा हुआ पहलू होगा, एक हिजाब में मानी होंगे, जाहिर में अल्फाज होंगे। इस तरह से हर शय में आपको एक मजाज और एक हकीकत की सूरत नजर आएगी। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? जरा सा मैं सतह जहन को बुलंद कर रहा हूं। जिस शय को आप देखेंगे पता चलेगा एक जाहिर है, एक बातिन है, नहीं एक और मंजिल। आप हर शय में एक हयात जाहिरी पाएंगे, एक हयात मानवी पाएंगे। जैसे हयात जाहिरी जमादात में है, नबातात में है, हैवानात, मगर हयात मानवी शुरू होती है इदराक से, ताकुल विज़न, या हयात मानवी शुरू होती है, और वो हयात मानवी मरबूत है इंसान से। जब हयात ताकुल इदराक या हयात मानवी इंसान से शुरू होती है तो यकीनन इंसान लफ्जों के तुल में मानी को देखता है, लफ्जों के तुल में मानी को देखता है, उसी तरह से देखता है जैसे कि आलम जाहिर के तुल में आलम गैब नजर आए। तो ऐसी मंजिल पर जब वो अपनी हयात ताकुल को, अपने रैशनल लाइफ को शुरू करता है और सोचता है, तो उस वक्त उसको यह ख्याल आता है कि मेरी जिंदगी के लिए, मेरी हयात के लिए एक जज्ब है, एक दफा है, किसी चीज को जज्ब करना है, किसी चीज को दफा करना है। यह गुफ्तगू हो चुकी, अगर जज्ब करने की जगह दफा कर दिया, दफा करने की जगह जज्ब कर लिया, पत्थर आ रहा है जज्ब कर लिया, पानी आ रहा है प्यास में उसको दफा कर दिया, दोनों हालतों में मौत है। जिसको जज्ब करना है उसको जज्ब करना है, जिसको दफा करना है उसको दफा करना है। बिल्कुल उसी तरह हयात अकलानी के लिए पहले जहल की नजासत को दूर करना है, हयात अकलानी के लिए पहले जहल की नजासत को दूर करना है, और हयात मानवी के लिए, हयात बातिनी के लिए, हयात इल्मी के लिए, हयात रूह के लिए, हयात शऊरी के लिए, यह लाजिम है कि हर उस नजासत बातिनी को दूर करना पड़ेगा। नजासत किब्र, नजासत गुरूर, नजासत हसद, नजासत बखल, जितनी नजासतें आ सकती हैं बातिनी, सबको दूर करने के बाद आपको अंदाजा होगा कि कुरान ने इन सब नजासतों का जिक्र किया है, मगर मजमूई तौर पर जो नजासतें अहम बतलाई गई हैं उसमें से पहली नजासत यह है, इन्नमल मुशरिकूना नजसून, यह कुरान है, मुशरिक नजस है। तो अगर वाकई मुसलमान कुरान पर चल रहा है और हयात अकली चाहता है तो नजासत शिर्क से दूर रहे, और नजासत शिर्क से दूर रहने के लिए नजासत मुशरिक से दूर रहना चाहिए। अगर ये गुफ्तगू समझ में आई कि नजासत शिर्क से दूर रहने के लिए नजासत मुशरिक से दूर होना चाहिए, तो मुशरिक कौन है? इन्नमल मुशरिकून नजस, नहीं, इरशाद हुआ कुरान मजीद की आयत है, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है, और फिर इरशाद हुआ ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, खबरदार जुल्म करने वालों के नजदीक भी न जाओ, ऐसा ना हो कि आतश जहन्नम तुमको खा जाए। आपने देखा, जुल्म नजासत है, शिर्क नजासत है। इस तरह से बहुत सी नजासतें हैं जिनको हयात अकली के लिए दूर करना पड़ेगा। अगर इंसान को ताहिर बनना है, पाक बनना है, अपने नफ्स को पाक करना है, फिक्र को पाक करना है, शऊर को पाक करना है, तो पहले नजासतों को दूर करना है। इंसान सुबह उठकर यह महसूस करता है कि मुझे गुस्ल करना चाहिए, इंसान सुबह उठकर यह महसूस करता है कि मुझे अपने पैराहन को, अपने पोशाक को बदलना चाहिए, अगर कोई नजासत लग जाए तो उसको दूर करना चाहिए। तो पैराहन और पोशाक को बदलने वाले कभी अपने कल्ब की तहारत का भी तो इंतजाम करें, कभी अपने कल्ब की तहारत का भी तो इंतजाम करें। तो यह तहारत कल्ब की मंजिल है। आइए एक ऐसी आयत अब हम पढ़ें
एक ऐसी आयत पढ़े कि जिसमें खुदावंद अली आला ये चाहता है कि मुसलसल नजासतें दूर हो और आप तहारतों की तरफ आए। अगर आप याद रख सके, एक दर्श है, यह आयतुल कुर्सी है, सबको याद होनी चाहिए, याद है, यकीनन याद है, हाफिजे को ताजा करना मेरा काम है। सूरह बकरा की यह अहम आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह आयतुल कुर्सी। मैं पहले पढ़ दूं, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم عظيم پر آ کر آية الكرسي ختم ہوتی ہے۔ یہ آية الكرسي کو آپ سمجھیں گے آج میرے ساتھ ساتھ۔ जैसे ही आपने कहा अल्लाह, दहरियत की नजासत खत्म हुई। दहरी कहता है कि कोई खुदा नहीं, आपने कहा अल्लाह, दहरियत की नजासत खत्म हुई। आपने कहा ला इलाहा इल्लाहू, नहीं है कोई मगर वो, सनवियत की नजासत खत्म हुई कि जो कहता है कि ये यजदान है, ये अरमन है, दो खालिक है, आपने सनवियत की नजासत को खत्म किया। अल्लाह ने दहरियत की नजासत को खत्म किया, ला इलाहा इल्लाहू सनवियत की नजासत खत्म। आपने कहा अल हय, अल हय, आपने वसनियत की नजासत को खत्म किया, बुत परस्ती की, के रोज बुत तरसते हैं, रोज बुतों को पूजा जाता है, तराशीदम परस्तीदम शिकिस्तम, अरे हय होता कोई तो क्यों इस तरह से कोई तराशता, कोई क्यों उसको तोड़ देता। वो है हमारा खुदा जो हय है, अल हय है, हर जमाने में बुत तरसते रहे और उनकी परस्तिश होती रही, कभी इसने एक बुत को तोड़ा, कभी उसने एक बुत को तोड़ा, हमारा अल हय है। दहरियत, सनवियत, वसनियत, अल कय्यूम, हमने तबीईन की नजासत को खत्म किया। यानी तबीईन कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद बन गई, नहीं, कुरान मजीद कहता है, आयतुल कुर्सी कहती है, उसके लिए कय्यूम लाजिम है, कय्यूम लाजिम है कि बगैर जिसके कायनात कायम नहीं रह सकती। القیوم لا تاخذه سنه ولا نوم, आपने उजैरियत और नसरानियत का जवाब दिया कि उजैर खुदा है और नसारा खुदा है। खुदा कहता है खुदा वो है जो सोता नहीं है, जिसको ऊंघ नहीं, जिसको नींद नहीं। उजैरियत खत्म, नसरानियत खत्म, لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض, جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں اسی کے لیے ہے۔ آپ نے مفوضہ کے عقیدے کو ختم کیا کہ مفوضہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے کائنات بنا کے ہمارے حوالے کر دیا ہے, اب ہم جو چاہیں کریں, نہیں, ہر آن میں سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, शफाअत की रद्द करने वालों के अकीदे को खत्म किया, जो लोग रद्द कर रहे हैं शफाअत को, उनके अकीदे को खत्म किया कि हां वो शफाअत कर सकता है जिसके पास इज्न है। यानी जिनके पास ये अकीदा है कि कोई शफाअत करने वाला नहीं है, वहां भी एक नजासत है। منزل الذي يشفع عنده الا باذنه, कौन है जो उसके पास बगैर इज्न शफाअत करे, जहां इज्न है शफाअत। يعلم ما بين ايديهم, वो जान रहा है कि उनके हाथों में क्या है, क्या कर रहे हैं और क्या पीछे छोड़कर आएंगे दुनिया में। یہ جبرئین کے نجاست کو ختم کرتا ہے یہ جملہ, کہ جبرئین کہتے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے خدا کر رہا ہے, اگر خدا کر رہا ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ بندوں کے لیے, کہ بندے کیا کر رہے ہیں اور کیا چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم ومن قلبہم, اور اس کے بعد لا یحیطون بشیء من علمہ, کوئی اس
के इल्म का इहाता नहीं कर सकता। मुनज्जमीन की नजासत को खत्म कर दिया, काहिनीन की नजासत को खत्म कर दिया, जो सितारों पर हुक्म लगाकर आने वाले इल्म को बतलाते हैं, खुदा के इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। वस्या कुर्सियुहु समावाति वल अर्ध, तमाम फिलोसोफर्स की नजासत को रद्द कर दिया। फलसफी कहते हैं कि जमान और मकान गैर महदूद है, गैर महदूद है, खुसूसन मकान का यह आलम है, स्पेस का यह आलम है कि इसका कोई अंदाजा नहीं है। खुदावंद अली आला कहता है कि वो बेअंदाजा सही स्पेस, मगर सब पर हम मोहित है। यहूदियों की नजासत का रद्द कर दिया। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने 6 दिन मेहनत की, 7वें दिन आराम किया, यौम सब्त है उनका, खुदा का 7वां दिन आराम का है। ये इरशाद होता है कि अल्लाह को कोई चीज थकाती नहीं है, कोई चीज खस्ता नहीं करती है। अल्लाह को कौनो मकान की हिफाजत में खस्तगी नहीं होती। वहुवल अलीजुल अजीम, तमाम शिर्क और तमाम कुफर की नजासत का इजाला हो गया। यह है आयतुल कुर्सी। एक आयतुल कुर्सी पढ़िए, 12 नजासतें दूर होंगी, 12 तहारतें आएंगी। इस मंजिल पर आपने अगर यह महसूस कर लिया कि हयात मानवी के लिए, हयात बातिनी के लिए, हयात शौरी के लिए और हयात अकलानी के लिए आपको कुछ अपने हवा से भी काम लेना है, आपको कुछ अपने जाहरी जराए इल्म से भी काम लेना है, तो ऐसे ही मंजिल पर याद रखिए कि इक्तसाद से बहुत कुछ आता है सीखने से। तो आपके नफ्स का तस्किया वो करे जो खुद पाक हो। नापाक किसी को पाक नहीं कर सकता। पानी अगर नजिस है तो वो नजिस पानी आपको पाक नहीं कर सकता। मिट्टी अगर नजिस है तो वो नजिस मिट्टी आपको पाक नहीं कर सकती। तो याद रखने की बातें हैं। वो खुद पाक हो, इसलिए उस रसूल को भेजा तहारत और पाकीदगी के लिए जो अव्वल में पाक था, आखिर में पाक था, औसत में पाक था, कुल पाक। गुफ्तगू यहां तक पहुंच गई, इसलिए इरशाद हुआ हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने उम्मीयीन में मक्के वालों में रसूल को भेजा। यतलू अलैहिम आयातही, वो उन पर आयात की तिलावत करता है, वह युज़क्कीहिम और उनका तस्किया करता है, पाक करता है। जो खुद पाक न हो वो क्या पाक करे। इसलिए अकीदा ये होना चाहिए कि क़ब्ल नबुव्वत भी पाक थे। सिर्फ नबुव्वत ने उनको पाक नहीं किया, वो नबुव्वत से पहले भी पाक थे, बतने मादर में पाक थे, सुल्बे पदर में पाक थे, आबाए अव्वलीन की पेशानियों में पाक थे। अब रसूल का एक माजी है और एक मुस्तबल। माजी यह है जो सूरह शोरा में है और वो ये कि वह तवक्कल अलल अजीज रहीम अल्लज़ी यराक हीन तकूम व तकल्लुक फी साजदीन, भरोसा कर गालिब रहीम पर जो तुझको देखता है जब तू खड़े होता है और तुझको देखता है जब तू बदल बदल कर सजदा करने वालों में आता है। कभी आदम में आया, कभी नूह में आया, कभी इब्राहिम में आया, कभी मूसा में आया, और इस तरह से बदल बदल के आया। ये तेरा माजी था और मुस्तकबिल वो कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअन्कुम रिज़्ज़ा अहले बैत। इस तरह से कुल को घेर लिया है मंजिल तहारत। अजीजा ने ग्रामी, एक मुजक्का ने जो खुद तस्किया शुदा है मंजिल तहारत पर पहुंचकर उसने आवाज दी कि मैं तुम्हारे तस्किए के लिए आया हूं, तो उसके लिए एक मैंडेट चाहिए था, उसके लिए एक हुक्म चाहिए था। और वह हुक्म यह आया, मन युतई रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इतना ताहिर, इतना पाक, इतना बुलंद
कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और फिर दूसरा मैंडेट वमा अताकुमुर रसूल फकुलू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो रसूल लाए ले लो, जिससे रसूल रोके रुक जाओ, चूनो चराओ इनो बेमाओ कैफाओ लिम, कोई चीज वहां नहीं, वहां नहीं। आपने इसको क्यों हलाल कर दिया, आपने उसको क्यों हराम कर दिया, आपने उसको क्यों नजिस बतला दिया, आपने उसको क्यों मकरूह बतला दिया, ये हमारे इल्म के हुदूद नहीं है, ये इल्म रसूल है, इल्म इलाही है। तो ऐसी मंजिल पर जहां उसने ये कहा कि वमा अताकुमुर रसूल फखुजूहू, जो रसूल लाए ले लो, जो रसूल जिससे बाज रखे बाज रहो, नफ्स के लिए सलावात भी बेहतरीन नुस्खा है। हकीकत यह है कि पाक इंसानों की मोहब्बत भी इंसान को पाक करती जाती है, ताहिर इंसानों की मवद्दत भी इंसान को ताहिर करती जाती है। हुक्म यही हुआ कि रसूल जो लाए वो ले लो, और जिससे मना करे रुक जाओ। रसूल कुरान लेकर आए, ले लो ले लो, और रसूल ने अहले बैत को रूशनास किया, कबूल कर लो कबूल कर लो। अब रहा ये कि अहले बैत से क्या फायदा होगा, अहले बैत से जिंदगी पे असरात क्या मुरतब होंगे, अब अहले बैत में कौन बाकी है, आज उनकी क्या इफादियत है, ये अजीब गरीब सवालात हैं जो कभी कभी सुनने वालों के अजहान में मुर्तसिम किए जाते हैं। इफादियत की हद तक मैं समझता हूं इससे बढ़कर कोई और जिंदा मौजजा भी है अहले बैत का, कि आप यहां जमा हैं, यह मजलिस है, यह मजमा है, किसी और नाम में तो मैंने यह तासीर नहीं देखी, किसी और नाम में तो मैंने यह असर नहीं देखा, किसी इंसान के लिए उसकी जिंदगी में मुमकिन है कोई मजमा हुआ हो, उसकी तारीफ और तौसीफ के लिए, उसके जिंदाबाद के नारों के लिए। मगर 1400 बरस हो गए और कयामत तक इसी तरह से यही मौसम आते रहेंगे और इसी तरह से लोग जमा होते रहेंगे। जहन को मुतासिर कर दिया है आले मोहम्मद ने, शऊर को मुतासिर किया है, फिक्र को मुतासिर किया है, अकल को मुतासिर किया है, और अपने चाहने वालों को इतना पाक किया है, इतना ताहिर किया है कि दुनिया अब भी हैरत से उनको देखती है कि हम ही में है और इतने पाक। सबसे बड़ी चीज जो इफादियत है आले मोहम्मद के जिक्र में वो ये है कि आप जालिम नहीं हो सकते। क्या ख्याल है आपका, जब आप इतनी मजलिसों को सुनते हैं और जानते हैं कि जुल्म किस कदर बड़ा है, तो आप जो इस अम्र का बजा हक रखते हैं यह कहने का कि आप ही ने यह सोचा था कि जुल्म अकलन बुरी चीज है, अदल अकलन अच्छी चीज है, आपने सिर्फ शरीयत के हवाले नहीं किया था अदल जुल्म को, आपने कहा था अकलन भी इसमें अच्छाई है, अदल में जुल्म में बुराई है। तो जब आप अकल के एतबार से जांचेंगे कि जुल्म बुरा है, तो कभी आले मोहम्मद का दोस्त जालिम नहीं हो सकता। और इसी तरह से बहुत से मकामात गुफ्तगु रह जाते हैं, लेकिन मेरे लिए अब इस तकरीर के बाद सिर्फ इतना रह जाता है कि मैं तस्करे को उस मंजिल पर पहुंचाऊं कि रसूल लाए थे और इस तरह से लाए थे कि हाथों पे बुलंद करके मदीने की गलियों में हुसैन इब्ने अली को यह कहते हुए पाए गए, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, वो आदे मन आदा घर से निकले,
दामन में छिपाकर या आबा उड़ाकर असहाब ने पूछा, कुछ लेकर जा रहे हैं मस्जिद में? इरशाद फरमाया, नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा नवासा है, खुदावंदा तू उसको दो सको, इसको दो सको। रसूल लेकर आए हुसैन और हमने लिया हुसैन। हुसैन अमानत रसूल है, यह जिक्र अमानत रसूल है, जहां रहे जिस तरह से रहे। इसके लिए सुन्नियत और शियत काबिल जिक्र नहीं है। इस्लाम इस्लाम से आगे इंसान। जिस इंसान ने हुसैन को महफूज रखने की कोशिश की, उसके लिए यकीनन एक मंजिल आएगी जहां वो जुल्म को बुरा समझेगा, अदल को अच्छा समझेगा। आइए एक थोड़ी देर मेरे साथ आप सोचेंगे। आज आदम से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो खातम पे आके रुका, वो तकल्लुबो का फिस साजदी। और रसूल से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अहले बैत की सूरत में आगे बढ़ गया, बेनस से आए तथीर। और इस तरह रसूल 11 हिजरी में दुनिया से उड़ गए। 75 दिन बाद जनाब सैयदा दुनिया से गई। 40 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई। 50 हिजरी में हसन मुश्तबा को जहर दिया गया। 60 हिजरी में आले मोहम्मद में फकत मोहम्मद का एक नवासा बाकी रह गया, हुसैन, और उसको मदीना छोड़ना पड़ा। हुसैन मदीने से 28 रजब को चले, 3 शाबान को मक्का पहुंचे, 3 शाबान से ज़िलहिज की पहली या दूसरी तारीख तक हुसैन इब्ने अली मक्के में रहे, और उसके बाद आपने मक्का छोड़ दिया। 9 ज़िलहिज को पहली कुर्बानी आले मोहम्मद की तरफ से पेश की गई, मुस्लिम ने अकील की शहादत। 20 ज़िलहिज को मैसम तम्मार कूफे में कत्ल कर दिए गए। 1 सलावत। 1 सलावत बाबा ने बोला। 20 ज़िलहिज को कूफे में मैसम तम्मार कत्ल हुए और इस आलम में कत्ल हुए कि उनसे यह ख्वाहिश की गई कि वो अली को बरमला बुरा कहे। मैसम ने इनकार कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इनके पांव काटे जाएं, हाथ काटे जाएं और इनके आज़ा व जवारे को जुदा किया जाए। मैसम ने कहा जब तक जाती रहेगी मैं अली के फजाइल बयान करता रहूंगा। चुनाचे महल्ले कुनासा में एक खजूर के एक दरख्त पे इनको लटकाया गया और आखिर में इनकी जबान काटी गई। जबान काटने से पहले इन्होंने कहा मेरे मौला ने इसकी खबर दी थी कि तू उस वक्त तक मेरे फजाइल को नहीं रोकेगा जब तक कि तेरी जबान न काटी जाए। 20 ज़िलहिज की भी इत्तला हुसैन इब्ने अली को मिल चुकी थी। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंचे। 4 मुहर्रम से लश्कर पर लश्कर, अस्कर पे अस्कर आने लगे। 7 मुहर्रम को हुसैन पे पानी बंद हो गया। 8 और 9 हुसैन महसूर होते चले। वो अम्मत तासुआ फहुसर अलैहि सलाम, 9 मुहर्रम की वो तारीख थी कि हुसैन हर तरफ से घिर गए थे। आज शबे आशूर है और कल यहां खाक उड़ेगी। आपको कल यहां कोई जहमत नहीं देगा। यह आज ही की रौनक है आशूर खानों में, यह आज ही की रौनक है अजा खानों में। आज एक रात और आपका मेहमान है, एक ही शब के हैं मेहमान। तहे चरख हुसैन,
शमे जहरा है चरागे सहरी शीशे में, जेरे चार ये एक ही रात है, इसलिए मैं इस तमहीद के बाद आपको ये कह के मुतवज्जह करना चाहता था कि कल फिर मातम का दिन है, कल जुलूस का दिन है, कल आप सरोसीना पीटते हुए खाक उड़ाते हुए नजर आएंगे। पुरसे का वक्त अभी है, आज है, रात में है, जहां जहां मजलिसों में जाएं, जिस किसी के पास मजलिस हो, बैठ के अपने आप को रफीक़े कार बनाना मासूमीन का मैं समझता हूँ ज़रूरी है, ज़रूरी है। अब तक हम मुख्तलिफ तस्करे सुन चुके, औन मोहम्मद की बातें सुन चुके, अली अकबर का जिक्र सुन चुके, अली अजगर की शहादत पे गुफ्तगू हो चुकी, अब्बास की शहादत पे मजलिस हो चुकी, अब हुसैन की गुफ्तगू है, खुद सरदार की गुफ्तगू है, मौला आका की गुफ्तगू है। दो चार जुमले इस सिलसिले में सुन लीजिए, अगरचे मुझ में सलाहियत नहीं, मगर मैं खुद इमाम की बारगाह में इस मौरूज़े को पेश कर रहा हूँ कि फरमान-ए रसूल, हम आपके जिक्र के लिए यहाँ जमा हुए हैं, मौला ये आखिरी रात है, कल आप हम में नहीं रहेंगे, खुदा हाफिज मौला, खुदा हाफिज अली अकबर, खुदा हाफिज अब्बास, खुदा हाफिज औन मोहम्मद, खुदा हाफिज कासिम इब्न हसन, खुदा हाफिज। और फरजंदे रसूल किस तरह से आपको रुख्सत करे मौला, आपने जो रुख्सत की आवाज बुलंद की, या ज़ैनब या उम्म कुलसूम या सुकैना तो या रुकैया अलैकुन मिन्नी अस्सलाम, आए ज़ैनब आए उम्म कुलसूम आए सकीना और आए रुकैया, तुम सबको हुसैन का आखिरी सलाम पहुंचे, तो बच्चे पछाड़े खाने लगे, बहने तड़पने लगी कि घर का वाली जा रहा है, घर का सरदार जा रहा है। अब तक ऐसा हुआ था कि जिस किसी का इंतकाल होता, दिल को ढारस होती कि अभी हुसैन है, अभी हुसैन है, अभी हुसैन जिंदा है। अब जब हुसैन जाने लगे तो एक मायूसी सी छा गई, एक मायूसी की सी कैफियत पैदा हो गई कि देखिए अब क्या हो, अब कैसे हमसे सलूक किया जाए, अब किस तरह से हमको लूटेंगे ये, और कैसे डर आएंगे खैमों में, ये सारे तसव्वुरात सैदानियों के दिल में हैं, दिमाग में हैं। ऐसे में फरजंदे रसूल, जैसा कि मैं आज सुबह नश्तर पार्क में अर्ज कर रहा था, चले चले मुख्तसर सी गुफ्तगू, चले घोड़े पर सवार, रकाब में पांव दबाकर, जब हुसैन पुश्त ज़ीन पर बुलंद हुए तो भाई ने दूर से फरात के किनारे भाई के लाशे को देखा, आवाज दी, अब्बास मैं आ रहा हूं, अब्बास मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। और उसके बाद एक मरतबा ये भी कहा, अब्बास मैंने सुबह से इस खौफ से कि कहीं मेरी जंग देखकर तुम सब ये ना समझे कि हुसैन लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, मैंने जंग नहीं की थी, मगर अब्बास इनको तो मालूम हो जाए कि अली का लाल लड़ भी सकता, ये कह के अब तलवार को खींच, मैं मने पर हमला किया, मैं सरे पर हमला किया, खल पर हमला किया, खल में लश्कर में दरा, कहते जाते थे प्यासे की जंग देखो, उसकी लड़ाई देखो जिसका 18 बरस का लाल मारा गया, उसकी जंग देखो जिसका 32 बरस का भाई कत्ल कर दिया गया, तुम ये समझते हो मैं मजबूर हूं, नहीं खुदा की कसम मजबूर नहीं हूं, तलवार थी कि अल्लाह की पनाह, बराबर लड़ते जा रहे थे, धसते जा रहे थे और कहते जा रहे थे बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, के एक मरतबा ज़ुल्जनाह रुका, फरमान-ए रसूल ने पूछा ज़ुल्जनाह क्या बात है, क्यों रुक रहा है, मगर अब जो नजर डाली तो दूर से देखा कि अली अकबर की लाश है, पुकार के कहा बेटा तुमने बाप की लड़ाई नहीं देखी,
अली अकबर तुमने जंगे पदर को नहीं देखा और ये कह के तलवार को नयाम में रखा, तलवार को नयाम में रखा और कहते चले हाँ आज इम्तिहान का दिन है, हाँ आज इम्तिहान का दिन है, आज सब्र का दिन है, आज के दिन का वादा मैंने नाना से किया था, आज ही के दिन के लिए नाना ने मुझे पाला था, आज उस मुआहदे को पूरा करना है जिसका बचपन में मैंने अहद किया था। ये कहते कहते जख्मी होते चले और जैसे जैसे जख्मी होते चले पुकारते चले जुलजना अकबर के करीब चल, अकबर के करीब चल, वही कहीं चल जहां मेरा लाल सो रहा है, जुलजना आहिस्ता आहिस्ता चलो, मलाए आला में कोहराम मचा था कि परवरदिगार तेरा बंदा मेहमान बन के आ रहा है, इस्तकबाल हुसैन का कौन करे, क्या आदम जाके संभालेंगे, क्या नूह जाके संभालेंगे, क्या मूसा जाके संभालेंगे, क्या इब्राहिम जाके संभालेंगे, या मोहम्मद अरबी नवासे को गोद में लेके बैठेंगे। एक मरतबा आवाज आई जानिब जलाल से, जहरा कहाँ है? फरमाते थे नहीं वारिस हर को पुकारे, वारिस वारिस हर को पुकारे, लकद कतना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन अल-अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस-सालिहून, जमीन के वारिस हमारे साले बंदे होंगे, क्यों होंगे? इसलिए कि जमीन उनके सदके में बनी है। كما بدانا ملا خلق نعيده بعد علينا انا كنا فاعلين, जैसे हमने इब्तिदा की उसी तरह से हम इंतहा की मंजिल पर पहुंचाएंगे। वलकद कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन अल-अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस-सालिहून, हमने ज़बूर में ज़िक्र के बाद लिख दिया कि हमारी जमीन के वारिस हमारे सालेह बंदे होंगे। इन फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन, इसमें आबिदीन की कौम के लिए पैगाम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन, नहीं भेजा तुमको मगर आलमीन के लिए रहमत। बातें समझ में आ रही है? जो आलमीन के लिए रहमत है उसकी शफाअत से इनकार कुफ्र है। अब यह है मसला, उसकी शफाअत की तवक्को रखना ईमान है, उसकी शफाअत की राहों में जाना और अपने मादे कबूल में इस्तेदाद पैदा करना उसकी शफाअत की ताकि वो खेचे। सिलसिला नुजूल में वो बाई से ईजाद आलम था, सिलसिला सऊद में वो बाई से नजात आलम है। यह मबदा है, यह माद। तो यही वजह कि या मोहम्मद या नफ्स मोहम्मद, यही मजाज है इस जिम्मेदारी के जो किसी शाह को, किसी बादशाह को, किसी शहनशाह को, किसी हाकिम को यह जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई कि वो जमीन की हद तक, दुनियावी हुकूमत की हद तक मनसब दे सकते हैं, जागीर दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, जमीन का कुछ हिस्सा भी दे सकते हैं, मगर यह सब आरजी होता है। मैंने शाम गरीमा की तकरीर में अर्ज किया था कुरान की आयत पर से कम तरकू मिन जन्नातिन व उयूनिन व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फातिहीन कज़ालिक व औरसनाहा क़ौमन आख़रीन। मरने वालों ने कैसी कैसी ज़िराअतें छोड़ी, कैसे कैसे मकानात छोड़े, कैसे कैसे बागात छोड़े, कैसी कैसी नेमतों को छोड़ा। हाँ हाँ, हमने दूसरी कौम को वारिस बना दिया। एक कौम मर गई, दूसरी कौम आई, दूसरी कौम मर जाती है, तीसरी कौम आती है। इसी तरह से जमीन बज़ाहिर अपने मालिकों को बदलती है। क्यों? इसलिए कि हकीकी मालिक वो है कि जिसकी मिल्कियत से जमीन खारिज नहीं हो सकती। हकीकी मालिक वो है कि जहां तगय्युर नहीं है वहां हर वक्त में वो मिल्कियत है, हर वक्त में वो मिलती है। तो अब जिसकी मिल्कियत और जिसको इतना हक कि जब चाहे, जिस वक्त चाहे,
जहां चाहे जिसको चाहे बख्श दे और जिस तरह से चाहे वादा करे। तो आपने देखा कि शाहियां तो ये कर सकती है कि मनसब का वादा कर रहे, जागीर का वादा कर रहे, रुपए पैसे का वादा कर, मगर नजात का वादा तो नहीं कर सकती, मफ़रत का वादा तो नहीं कर सकती, शफाअत का वादा तो नहीं कर सकती। यही वजह है कि ये हद है शाही की। एक बात याद, यही जबान बंद है शाही की। अगर किसी ने कहा हो, किसी तारीख का बतला दो, बड़े से बड़े उलुल अज़्म ताजदार ख्वाजा हसन निज़ामी ने शहंशाह औरंगजेब के वसीयतनामे को शाया किया। बड़ा कंट्रोवर्शियल वसीयतनामा है, मगर जिस किसी ने देखा है, जिस किसी को याद है, उसको मालूम है कि उन्होंने बिलाखिर यह कहा कि मुझे कफन माले हलाल से दिया जाए और करबला की खाक में मुझे दफन किया। तो ये मुख्तलिफ मकामात पे वसीयतनामा छपा है और इस पर मैं बहस नहीं करूंगा। ख्वाजा हसन निज़ामी ने उसको शाया किया। यहां हद है। अरे जिसको अपनी नजात की फिक्र हो, ये तो दुनिया कहती है कि औरंगजेब बहुत नेक थे, मगर जिन्होंने जिंदगी भर इस्तेबदाद से काम लिया हो, वो कैसे बाद की बात करेंगे और बाद में ये कहेंगे कि हम तुमको वहां भी सहारा देंगे और तुम्हारे लिए नजात का बाइस बनेंगे। हैरत होती है कि यहीं आके मुलुकियत चुप हो गई। मुलुकियत चुप हो गई, आंख जब तक बंद नहीं होती है मुलुकियत का राज है। जब आंखें बंद हुई वहां शाही नहीं है, वहां तबाही है, खामोशी है, मायूसी है, उनूतियत है, उफ्तादगी है, पसमानदगी है और कुछ। यही वजह कि एक मरतबा हमने सोचा कि शाही से बढ़ के कुछ और देखें, फुकहा के पास जाएं। किसी फिका के इमाम ने कोई दावा किया है कि हम बख्शा लेंगे। और जो सुनिए, याद रखने की कोशिश कीजिए और आप भी पूछिए, किसी फकीह ने अपनी फिका की किताब मुरतब करते हुए यह लिखा कि अगर कोई मेरी फिका पे अमल करेगा तो मैं कयामत में खड़े होकर जामिन हो जाऊंगा उसका? फिका की पूरी किताब लिख जाने के बाद भी उसको यकीन नहीं है कि खुद वो भी बख्शा जाएगा कि नहीं? इसलिए फुकहा चुप हो गए। शाही पहले से चुप थी, फुकहा चुप। उलमा खुद खौफ खुदा से कांपते हैं, नफसी नफसी की आवाजें बुलंद हैं, दूसरों के मुतालिक क्या बातें करें। उलमा चुप हो गए। जज्ब के आलम में रहने वाले वो बात भी नहीं करते, ना अपनी ना पढ़ाई। मजलूम बात ही नहीं करता, ना अपनी ना पराई, कयामत में क्या गुजरेगी उसको क्या खबर है, वो क्यों जिम्मेदारी कबूल करे किसी की? अलबत्ता औलिया के दफातिर को मैंने देखने की कोशिश की तो सूफिया इकराम औलिया इकराम ने भी ये तो नहीं कहा कि हम आगे बढ़ जाएं। इन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा शजरा है ये जहां जाके खत्म होगा, हम भी उसी तरह मुतवज्जे रहेंगे, तुमको भी उसी तरह मुतवज्जे करेंगे। इसलिए हर एक सूफी ने और हर एक वली ने ये कोशिश की कि अपने शजरे को मजबूत करें, ताकि कोई शख्स ये मालूम कर ले कि ये कहां से चला है। तो मेरी हद तक सारी किताबों के पढ़ने के बाद सूफिया औलिया
अतखिया सालहीन उलमा फुकहा शाही शहनशाही किसी के बस की ये बात नहीं थी कि कोई दावा शफाअत ये है बहुत राज की बात और मैंने जैसा कि वादा किया मैं काम की बात करना चाहता हूं और किसी ने जब ये बात नहीं की तो जिस किसी घर से ये आवाज बुलंद हुई तो ताज्जुब हुआ दुनिया को और दुनिया हैरान हो गई कि किस कदर अनोखापन है कि ये जिम्मेदारी ले रहे हैं गलत गलत शफात हो नहीं सकती हम शफात को कबूल नहीं करते सिवा खुदा के कोई शफी नहीं है इसलिए कि ना हमारे उलमा ने शफात से गुफ्तगु की ना हमारे फुकहा ने शफात से गुफ्तगु की ना हमारे सूफिया ने शफात से गुफ्तगु की कान मानूस नहीं थे इस आवाज से आवाज आई नहीं कि शफात हो सकती है इसलिए पूरा जोर लगाया जा रहा है आज जो कुफ्र है शिर्क है सिवा खुदा के किसी को शफी करार देना गलत है जिसके सदके में कायनात बनी जो मब्दा है वही माद है घबराने की क्या बात है अगर कोई वासिताए फैज है अगर कोई इजाफे रहमानी है अगर कोई इशराक़े क़य्यूमी है अगर कोई माए रहमत है माए हयात है तो फिर मब्दा माद में भी वही साए रहमत है वही रहमतुन लिल आलमीन उसी के तुफैल से जाना है घबराने क्या बात है और फिर आप इस अपने तजर्बे की बिना पर के किसी ने नहीं कहा इस घर ने क्यों कहा आप आयत का इनकार कर देंगे आप आयत का इनकार कर देंगे नफ्स कुरान का इनकार कर देंगे कुरान ने यह कहा ला यमलिकु शफात इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा शफात का मालिक नहीं होता मगर वही जिसने रहमान से अहद किया हो ये इस्तिस्ना को देखिए ला यमलिकून शफात इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा शफात का मालिक नहीं होता मालिक है शफात का शफात भी मिल्क है जैसे जमीन का मालिक है ला यमलिकून शफात शफात का मालिक नहीं है मगर वो जिसने माबूद से अहद किया हो बहुत गौर से सुनिए अहद की मंजिल सूरह यासीन अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान ऐ औलाद आदम क्या तुमसे हमने याद नहीं लिया था कि तुम कभी शैतान की इबादत नहीं करोगे तुम मेरी इबादत करोगे انا افضل العابدين دیکھیے استدلال تو افضل العابدین نے عہد نہیں لیا تھا افضل العابدین سے عہد نہیں لیا گیا شفاعت وہ کرے جس سے عہد لیا گیا عہد یہ تھا کہ وہ غیر حق کی عبادت نہ کرے غیر حق کی عبادت نہ کرنے والوں میں سب سے پہلے محمد اور پھر ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین ایک قوم ہے عبادت گزاروں کی اور وہ ہے وارثان عرض جو وارث ہے اسی کو حق پہنچتا ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ ملکیت کو جس طرح سے چاہے منتقل کرے جس کو جو چاہے نوازے تو اب اس منزل پر دوسری آیت آیت الکرسی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ بھئی آیتیں یاد رکھنا چاہیے دیکھیے بحث چھڑ گئی کون ہے جو بغیر اذن کے شفاعت کرے من
गई ने उसके नजदीक शफात करने वाला कौन है बगैर इज़्ज़त के? अगर इज़्ज़त मिले तो, इज़्ज़त मिले तो शफात, और इज़्ज़त पहले किसको मिला? इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बे इज़्ज़्नही व सिराजन मुनीरा। हमने शाहिद बना के भेजा, मुबशिर बना के भेजा, नज़ीर बना के भेजा, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के भेजा, इज़्ज़न दिया बे इज़्ज़्नही। इज़्ज़न मिलता है तो कायनात बदल जाती है, कायनात बदल जाती है। इज़्ज़न मिला ईसा को तो ईसा ने कहा अना अख्लुकु लकुम मिनत तैर, मैं तुम्हारे लिए एक मिट्टी से परिंदा खल्क करूंगा, फानफुको फी उसमें फूकूंगा, अपनी हवा फूकूंगा, अपनी सांस फूकूंगा उसमें, फयकून तैयन बिइज़्निल्लाह, ये उड़ने लगेगा इसने खुदा से। ईसा मिट्टी से परिंदे को बना के उसमें सांस फूके, इसने खुदा मिले तो वो जी जाए। वो उबरी उल अकमा लावरा था, वो हिल मऊता, मैं मुर्दों को जिलाऊंगा, मैं नाबीना को आंखें दूंगा, मैं मबरूस को शिफा दूंगा बेइज़्निल्लाह। जहां इज़्ज़न आ जाता है वहां नाबीना आंखें पाता, वहां मबरूस शिफा पाता, वहां मुर्दे जी उठते हैं, वहां मिट्टी में जान आ जाती है। वो खुदा नहीं है, घबराहट क्यों है, परेशानी क्यों है, खुदाई पे हर्फ क्या आ रहा है? खुदाई पे इल्जाम क्या है? अरे बंदे को इज़्ज़त दे के बतलाया, जिस बंदे को ये इख्तियार देते उसका भी खालिक मैं हूं। तो जिसको इज़्ज़त देते हैं उसको शफात दे का इख्तियार। मंजल लदी यशफाउ इल्ला बेइज़्ने, कौन है शफात करने वाला उसके नजदीक बगैर इज़्ज़न के? तो नबी इज़्ज़न याफ्ता है, मबदा से इज़्ज़न याफ्ता है, माद तक इज़्ज़न याफ्ता है। तो ऐसे मौके पर जब एक घराने से यह आवाज बुलंद होती है हम शफात करेंगे, तो दुनिया चूंकि इस आवाज से मानूस नहीं है, दुनिया के लिए आवाज अजनबी है, और किसी की जबान से ये इस तरह के जुमले चूंकि सुने नहीं गए कि घबराना नहीं हम हैं, तो अब कुफर भी है, शिर्क भी है, बिदअत भी है, हैरानी भी है, घबराहट भी है, जो कुछ भी है, और फिर सबकी बंदगी पे इल्जाम भी है कि ऐसी फिक्र की गई इसलिए बंदगी से खारिज, बंदगी से खारिज। और यहां आलम यह है कि मकाम कौसे सऊद में नफ्स खत्मी मर्तबत जो अनफुसना की मंजिल पर है, और कौम आबदीन से मुराद है, उनमें से हर एक ने शिफात का वादा कर लिया। वादा शिफात का हर एक ने किया, मतलब यह कि नफ्स मोहम्मद ने वादा किया। घबराओ नहीं हम हैं, तब उसमें नज़मन नसरन इशारतन किनायतन, कभी मिजाह में, कभी ज़राफ़त में, कभी तंज में। अच्छा तो रोने जा रहे हैं, शफात का सामान मुहैया करने के लिए जा रहे हैं, एक आंसू क्या निकलेगा? जन्नत वाजिब हो जाए। हाँ ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा, इसलिए कि सादिक अमीन ने कहा है। और फकत बात इतनी है कि इस मोती की कीमत से अजनबियत ऐसी फिक्र पे मजबूर कर रही है।
गौहर को पहचाना नहीं क्या, कितना नायाब गौहर है। जो कीमत मुकर्रर की है वो गौहरी ने मुकर्रर, जौहरी ने मुकर्रर, जानने वाले ने मुकर्रर किया है कि वजह उल जन्ना, जन्नत वाजिब है। इन्ना लदी फर्द अलैक कुरान न रात को कहला मात, जिसने तुझ पर कुरान को वाजिब किया है वही तुझ पर मात तक पहुंचाएगा, जैसे मक्का में था मात पर जाने वाला कह रहा है कि जिसने जिसने इस तरह से अपने आप को अश्क बार किया उस पर वाजिब है, वाजिब है फिरदौस वाजिब है। तो उसके माने ये थोड़े ही है कि आप किसी और अंदाज से सोचें कि जी अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आप आपकी फिक्र है, वो आपकी फिक्र। मैं तो सिर्फ इसी मकाम पर हूं कि ये जो अश्क निकला ये इतना आसान न था जो आप समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है जो दुनिया समझ रही है कि गए आंसू बहा दिया और जन्नत का परवाना लेकर आ गए। आंसू बहा के देखिए तो आसान नहीं है, आसान नहीं। हमेशा याद रखिए आंसू आंसू सिर्फ उसी के लिए है जो मंजिल कुर्ब पर हो। भाई थोड़ी सी बुलंदी, आंसू उसी के लिए है जो कुर्ब में हो, कराबतदार के आंसू, किसी के घर में उसका जवान बेटा मर जाए उसके आंसू, और अगर उसके पुरसा देने के लिए कोई आए तो लाजिम नहीं है कि उसको आंसू निकले, इसलिए कि कुर्ब नहीं है। रास्ते से मैयत जा रही है, जरूरी नहीं है कि बाजार में सब रोए, इसलिए कि और दूरी, और दूरी। कब्रिस्तान में मैयत पहुंचा के वापिस आए, किसी ने कहा कि वो मर गया, आह भी नहीं की, और दूरी। अखबार में बहुत सौ ने पढ़ा, हजारों ने पढ़ा कि एक मर गया, किसी ने एक आह तक नहीं भेजी, बहुत दूरी। तो दूरी वो कुर्ब पर मुनहसिर है आंसू। अब आप समझ गए, बहुत गौर से सुन, जो साहेब मब्दा और माद है अगर उससे नजदीकी है तो आंसू है, और नहीं से आंसू नहीं है। तो रसूल ने या मासूम ने जब आंसू का तस्करा किया है तो अंदाजा किया कि आंसू वही होंगे जहां कुर्ब होगा, जहां रसूल के घर से कुर्ब होगा। 1300 बरस के बाद ये समझा जाएगा आज ही का वाकया। मैंने सहमत दी, चंद बातें थी जो जरूरी थी। आज मुहर्रम की नवी तारीख है, आज मुहर्रम की नवी तारीख है। अब तक यह हुआ था कि पांचवीं को हजरत अली अकबर से गुफ्तगू थी, छठी को हजरत अली अकबर की गुफ्तगू थी, सातवीं को कासिम इब्ने हसन की गुफ्तगू थी, आठवीं को अब्बास की गुफ्तगू थी। अहले महफिल फैसला करें नवी को किसका जिक्र हो, नवी को किसका जिक्र हो। यह आलम गवाह है जो आपके साथ साथ आगे जाएगा, यह कि हम एक बेकस की याद मना रहे हैं, और वो बेकस जो अब अकेला हो गया, वो बेकस जो अब अकेला हो गया, जाहिर है कि आप अपने रेडियो और अपने टेलीविजन से मुसलसल इस वाकये पर तबसरे मुकालमे मजलिसें देखते रहे और सुनते रहे। ये इन अहबाब ने भी बड़ी कोशिश की कि वाकयात के सही कदोकाल पेश किए जाएं, ये भी शुक्रिया के मुस्तहक हैं, मगर इन्हीं हजरात की खिदमत में, अपने अहबाब की खिदमत में,
और सारे लिखने वाले और पढ़ने वालों के खिदमत में ये मारूजा है, एक मुख्तसर सा मारूजा जिस पर मैं तफसीली बहस अब रजविया कॉलोनी में करूंगा कि जो लिख सकता है वो लिखे, जो बोल सकता है वो बोले, जो कह सकता है वो कहे, मजलूम की हिमायत है। बस कितना हम चाहते हैं कि मजलूम की हिमायत करे, जालिम का साथ न दे, ये आदत बुरी है। मेरा इमाम अकेला हो गया, एक अकेला हो गया, अली अकबर गए, अब्बास गए, उन मोहम्मद गए। अली अकबर की जुदाई के बाद तो ये हाल था कि बिछड़ा वो लाल जिसका गवारा न था फिराक। फरमाते थे कि लूट लिया तूने हैरा, बिछड़ा वो लाल जिसका गवारा न था फिराक। फरमाते थे कि लूट लिया तूने हैरा, है मौत जल्द आ के बस अब जिंदगी है शाह, खंजर की आरजू है शहादत का इश्तियाक। बर्बाद इस तरह कोई आबाद घर न हो, क्या जिंदगी का लुत्फ जब अपना पिसर हो। रोते हुए हरम में गए किबलाए अनाम, सर थी लहू से लखते जिगर के कबा तमाम, रुख जर्द दिल में दर्द बदन सर्द, तश्ना काम ताकत न कल्ब में न बदन में लहू का नाम, ये दर्द था बुका में कि दिल टुकड़े होते थे, ये हाल था कि रोने का दुश्मन भी रोते थे। प्यारे न थे हुसैन अलैहिस्सलाम के, लाई हरम सरा में बहन हाथ थाम के, थर्रा रहे थे पांव चहे तश्ना काम के, सरदोश पर था सरदोज पर था ज़ैनब आली मकाम के। फरमाते थे बहन अली अकबर गुजर गए, क्या बात कही है। फरमाते थे बहन अली अकबर गुजर गए, कि जिनसे जिंदगी की हलावत वो मर गए। पुरसा तुम्हें शहीद का देने को आए हैं, ये हम तुम्हारे लाल के खून में नहाए हैं, रोए हैं, खाक उड़ाए हैं, आंसू बहाए हैं। और फिर इस मकाम पर एक मर्तबा एक तवील गुफ्तगू है भाई बहन में, जाते अख्तियार भाई ने कहा सरबारे दोष है, हमें रुख्सत करो बहन। मुझे याद है मगर छोड़ता जा रहा हूं, वक्त का तकाजा नहीं है, किसी और मंजिल पर पहुंचना है। यह सुन के बीबियों के जिगर पर छुरी चली, ज़ैनब जमीन पे गिर के पुकारी के या अली, सिर्रे कफी जहां कहें सब आप पर जली, जाता है बेकसों में यह कौनैन, जाता है सरकशों में यह कौनैन का वली, बेकस को आसरा है बहन का न भाई का, बाबा यही तो वक्त है मुश्किल कुशाई, बाबा यही तो वक्त है मुश्किल कुशाई का। या मुस्तफा, अब ये ज़ैनब के बहन देखिए, या मुस्तफा बला में फंसा है तुम्हारा लाल, या मुस्तफा बला में फंसा है तुम्हारा लाल, ऐ शेर किरदगार दिखा दो इन्हें जलाल, या फातिमा मैं लुटती हूँ बिखरा हो सर के बाल। या रब उलन के हाथ, देखिए रसूल को आवाज दी, अली को आवाज दी, फातिमा को आवाज दी, और उसके बाद या रब उलट दे हाथ, ये सब अरसा ये किताल, फिर क्या किसी से काम है, सबसे जुदा रहूं, भाई को अपने लेके मैं जंगल में जा रहा हूं। कहने कहा कि सब्र बहन चाहिए तुम्हें, खालिकियत सिर रोहलन चाहिए तुम्हें, लपर रिजा रिजा का सुकन चाहिए तुम्हें, जो माँ का था चलन वो चलन चाहिए तुम्हें, अब आखिरी बहन
ये सवारी हमारी है, बाद इन बुजुर्गवारों के बारी हमारी है, देखा ये कह के बाली सकीना को याद से। साहेबान औलाद सुन रहे हैं मंजिल पार, देखा ये कह के बाली सकीना को याद से, लिपटी वो दौड़ कर जाए गर्दुआ साथ से, ताकत न थी कलाम की हर चंद प्यास से, बोली वो तश्ना काम शहे हक असास से, क्या इस बला के बन से तहिया सफर का है, सब कह गई बताओ इरादा किधर का है। तो बाप ने कहा बेटी जाना है दूर, जाना है दूर, सबको जो आना न हो इधर, आज नवी मुहर्रम है, मैं कभी कभी देखता हूं और सोचता हूं कि आपके इस गरियादारी की आवाजों में कोई और आवाज भी छिपी हुई है जो आपके करीब से आ रही है। अल्लाह मेरे बच्चे के रोने वाले को जिंदा रख, अल्लाह मेरे बच्चे के मातमदार को जिंदा रख, शायद कोई सवारी गुजर रही हो, शायद कोई सवारी गुजर रही हो, जमाना साथ दे या न दे, वक्त मिले या न मिले, रो लो मातम कर लो, बेटी से कहा जाना है दूर, सबको जो आना न हो इधर, जिद करके रोइयो ना हमेशा सी हो जल, पहले पहल है आज शबे फुरकते फदल, सो रहियो माँ के जानू पा गुर्बत में रख के सर, सो रहियो माँ के जानू पा गुर्बत में रख के सर, राहत के दिन गुजर गए, ये वक्त और है अब यूं बसर करो जो यतीम कहता। बेटी को देखा और कहा दाहिनी दाहिनी मुझे जाने दो, सकीना जाने दो, लाली आसी के बिलमा सकीना शायद मैं पानी लाऊं, कदमों से लिपट के कहा बाबा, चचा भी यही कह के गए, चचा भी यही कह के गए कि आप ले जाए बाबा, हुसैन ने दिलासा दिया सकीना हम आएंगे, पयाम आएगा, कासिद आएगा, तुमको इत्तला मिलेगी सकीना, घबराओ नहीं, तुम दरवाजा खड़ी रहो, करबला के मैदान में शाम हो गई, बाबा नहीं आ, बाबा नहीं आए, और एक मतबा सुलझना आया कटी हुई रिकाबे